प्रॉब्लम आ रहा है वो देखिए क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जो इस साइड का इंडिकेटर जा रहा है ना फ्रेंड्स वो बढ़िया से जल रहा है, तो इस साइड का जो है लेफ्ट वाले साइड का वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। जैसे कि देख पा रहा हूँ मैं दे चुका हूँ स्विच को, और राइट वाले का देख रहा हूँ वो बढ़िया से जल रहा है और लेफ्ट साइड का बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो हमको ये चेक करना है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सामने से खोलेंगे हम, और इस गाड़ी का सर्विसिंग भी होने वाला है, तो इश्यू से प्रॉब्लम है क्या, फ्लैश लाइट से प्रॉब्लम है या तो स्विच का दिक्कत है, वो हम देखने वाले हैं। चलिए पहले बढ़िया से खोलते हैं, खोल के फिर वॉश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक बने रहिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं एक बार दिखा दूं, जैसे कि इस साइड वाला इंडिकेटर नहीं जल रहा है, तो मैंने सामने से खोल लिया है और बैठ से वॉच भी कर लिया है। जैसे कि देख पा रहे हो इस साइड वाला जल रहा है और पीछे का भी लगा हुआ है, पीछे का भी जल रहा है, ठीक है। और दोस्तों इस साइड का मैं एक बार दिखा देता हूँ, इस साइड का बिल्कुल भी नहीं जल रहा, ठीक है। फ्लैश भी बढ़िया से लगा है और ये गाड़ी का फ्लैश है फ्रेंड्स, तो देख पा रहे हो डिजाइन कुछ और तरीके से किया गया है इसको। तो चलिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, चाबी ऑफ करके, पहले चाबी ऑफ है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट करेंगे पहले, ठीक है, इसको डायरेक्ट करेंगे BS3 की तरह डायरेक्ट करके फिर हम चेक करेंगे। चलिए पहले डायरेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर हमने डायरेक्ट करके रखा है। चलिए अब क्या करते हैं, एक बार ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जैसे कि दिया है, एक साइड का दिया रहा, तो इस साइड का जल रहा है और इस साइड का, अरे इस साइड का फिर भी नहीं जल रहा है फ्रेंड्स, देख पा रहे हो फ्रेंड्स इस साइड का जल रहा है और इस लेफ्ट वाले साइड का भी नहीं जल रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो मतलब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो स्विच है ना स्विच को एक बार खोलेंगे पहले, ठीक है। स्विच को यहाँ से शायद चेक कर रहा था, चलिए पहले हम स्विच को खोलेंगे, ठीक है। स्विच से दिक्कत हो सकता है क्योंकि जब डायरेक्ट किया हुआ है तब भी मेरा इस साइड का जल रहा है और उस साइड का नहीं जल रहा है, तो फ्लैशर हम एक बार दूसरा लगा के देखेंगे तो वही कंडीशन होगा, ठीक है। सबसे पहले हम एक बार इसको खोलेंगे स्विच को। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, जब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा था इंडिकेटर का स्विच को तो नहीं जल रहा था, फिर हमने जब क्या किया जो दोबारा लगाया, लगाने के बाद थोड़ा बहुत चेक किया, करने के बाद सब कुछ सही है इधर से, और जब मैंने दोबारा लगा के स्विच को चेक कर रहा था कि अभी जलने लगा, ठीक है। तो जैसे कि देख पा रहे हो इस जगह से लूज कॉन्टेक्ट हो रहा है काफी ज्यादा, इस जगह से काफी ज्यादा लूज कॉन्टेक्ट हो रहा है, जैसे कि मैं दिखा दूं, देख पा रहे हो फ्रेंड्स काफी ज्यादा इस जगह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो बस यहीं से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इस जगह से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स अभी बंद हो गया, फिर जलने लगा, इस जगह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि देखो तो ये देख पा रहे फ्रेंड्स बंद हो गया है। आप देखिए थोड़ा सा जब मैं हिलाऊंगा फिर दोबारा जलने जाएगा, देख पा रहे हो फ्रेंड्स यहीं से काफी ज्यादा, देख पा रहे हो अभी बंद हो गया फिर जलने लगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मतलब यहीं से दिक्कत कर रहे हैं। चलिए स्विच को हम खोलते हैं, खोल के देखते हैं स्विच को रिपेयर किया जाता है या नहीं, अगर स्विच खराब होता है तो रिपेयर किया भी जाता है इसको। चलिए पहले खोलते हैं स्विच को। स्विच को हमने खोल लिया है, ठीक है। तो आप इस स्विच को खोलेंगे यहाँ से अंदर से बिल्कुल आराम से खोल जाएगा, इस साइड में सब लॉक वगैरह किया होता है, ठीक है। और दोस्तों गाड़ी से निकालने के लिए एक साइड और एक साइड दोनों साइड को बड़े से पुश करना होगा, फिर ये बाहर की तरफ आ जाएगा। चलिए इसको खोल के एक बार रिपेयर करके देखते हैं। तो स्विच है इंडिकेटर का स्विच हमने खोल के रखा, तो चलिए और खोलते हैं और बिल्कुल अंदर से बढ़िया से इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन होता है और अंदर से सल्फर वगैरह गिरा के नहीं, और वह चेक कर लेते हैं हम। हमने खोला है बढ़िया तरीके से, खोलते हम वॉश करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे घिस चुका है हल्का सा, और ये पत्ती को हम बढ़िया से क्लीन करेंगे, क्लीन करके चलिए एक बार फिट करके देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से खोलता है, तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसको वॉश हो जाता है खोल के। चलिए क्लीन करके फिर दोबारा फिट करके देखते हैं। स्विच में गड़बड़ था, स्विच को हमने लगा दिया है, फिट कर लिया, अब चलिए फिट करके देखते हैं इसमें जलता है कि नहीं देखते हैं। तो फ्रेंड्स चाबी ऑन कर दिया, अब चलिए देखते हैं, राइट वाला काम कर रहा है और लेफ्ट वाला भी देखते हैं, लेफ्ट वाला भी बढ़िया से अभी काम कर रहा है, मतलब इस जगह पे हिल रहा है, तो थोड़ा सा हमको तार का टुकड़ा लगाना होगा, ठीक है, देख पा रहे हो अब जल रहा है। तो चलिए इसको तार का टुकड़ा लगा के हम टाइट कर देंगे और ये काम हो जाएगा। चलिए अब दूसरा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक ले टाटा। और दोस्तों थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियो था, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।